फार्म हाउस में एंटर हो रहे हैं। Your destination is on the left. Left. Our destination is on the left. ठीक है, 7:30. ये अभी उमर आशिक फार्म हाउस। वालेकुम अस्सलाम, कौन थे जी फार्म हाउस से? क्या हाल है मूसा? वालेकुम अस्सलाम जैन, क्या हाल है हजरत? ठीक है। अच्छा तुम लोग अस्सलाम वालेकुम, ये कौन कौन है? बेटा डिग्री ये लो कर रहा है ना, कर गाड़ी में आना, उसके भी आना, वहां मेरे कपड़े का है। बेटा डिग्री में, डिग्री में नहीं, मैंने नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप? बड़ी दूर, बड़ी दूर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। गर्म नहीं हुई हो? बुखार है? नहीं, बाहर पी पी के। अच्छा, अब दोबारी? ओए लो, चलो आ जाओ, तुम यहाँ नहीं जाना। बहुत रास्ता है, बहुत रास्ता है। वालेकुम अस्सलाम बालू, क्या ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है काशिफ? ठीक है, ठीक है, काफी ठीक है। आमो की हाल चाल है? ठीक ठाक। सारे पूल में गए हुए। अब तो मजा नहीं है? नहीं, आपको पता उनका अब आप मूड रहे होगा ना उनका। बैठे खाते रहे हैं, देखो की बंदर बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, फार्म हाउस आए हुए हैं, राहत ने इनवाइट किया था यहाँ फार्म हाउस पे, तो यहाँ पर आए हैं सारे। और हमारे आने से पहले यहाँ पर सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं, बच्चे बड़े सब लोग स्विमिंग पूल में घुसे हुए हैं। शाम हो गई काफ़ी, और ये बेदियाँ के पास है, इंडिया के पास है राइट? कहाँ पे है ये? कहाँ? बॉर्डर के पास है ये, हम जहाँ पे आए हैं ना, बड़ी दूर है, बड़ा टाइम लगे यहाँ, तकरीबन हमें 1.5-2 घंटे से हम निकले हुए थे। मायदा के लिए पानी कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, तो अब ये दिखाती हूँ कैसे कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ये मायदा को लेके गए हो? ये जैन है? इकरा ठंडा पानी, इकरा तेरे बेबीज का है? पानी में नहीं गए? अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है ये ना। मैं पॉल के नीचे से गुजर रही हूँ। ठंडा है खदीजा पानी, बहुत खूबसूरत है। नदीम भाजन आए। बहुत प्यारा, क्या एक सेकंड मूसा जी, ये दानियाल आ रहे हैं। दानियाल को स्विमिंग आती है ना, इसने अपने स्कूल में सीखी थी। मोना
बहन को भी आती है स्विमिंग, वो भी स्विमिंग कर रहा है। अब दूसरी साइड दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये दिखा रही हूँ इस साइड से, बहुत प्यारा है, ग्रीनरी है यहाँ पे, ट्रीज लगे हैं और ये लश ग्रीन, यहाँ पर ग्रास है। ये स्टेयर्स आई डोंट नो ऊपर कहाँ जा रही हैं, यहाँ पे जा रही हैं। आसमान इतना साफ है बहुत ज़्यादा। ये मैं बैक साइड पे आई हूँ, बैक साइड पे ये पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पर फार्म हाउस है ना, तो वो ज़ाहिर है इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई हुई है पूरी, अपना रूम्स वगैरह भी बनाए होंगे, घर टाइप बनाया होगा यहाँ पे अपना। बारबेक्यू का यहाँ पे है सारा सिस्टम रखा हुआ। वो पीछे ये ना ऊपर सारा सोलर सिस्टम है, और ये एक ब्रिज जा रहा है यहाँ पे। मैं बिल्कुल एक साइड पे, अभी वो जो सामने है ना, वो सामने वो केजेस हैं, और यहाँ पर वो भाई आमिर बता रहा है कि यहाँ पे सारे ना उन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं। अब इस वक्त तो अंधेरा है तो नज़र नहीं आएंगे। बड़ी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, रोशनियाँ बड़ी हैं और सारे इंजॉय कर रहे हैं। मजे कर रहे हैं सारे बहुत। ये वाटरफॉल बंद करवा दिए पानी, क्योंकि ना काफी ज्यादा हो गया, शोर कम हो गया। बिलाल, बिलाल आपको स्विमिंग नहीं आती ना, पीछे जाओ तो सही, पीछे जाओ पानी में। दानियाल है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ ऊपर, अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत है सारा, तो ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ऊपर लाए में गिरने लगी थी। आपने चेंज कर लिया बेटा, और वो ड्रेस क्या रखा है, तो वो लेकर आओ ना बच्चे, उसको नीचे बैग में रखे। मैं पहले जब मैं स्विमिंग करता मुझे आती थी, आज मैंने लाइफ जैकेट पहन के किया, मुझे स्विमिंग आ गई, खुश हो गई। अब डायरेक्शन करूंगी चेंज और फिर दिखाऊंगी। ये यहाँ पे अंदर जाना पीछे। चलो जी अंदर चलते हैं, यहाँ पर सारे ये है, चलो लाइट जलाती हूँ। ये ड्राइंग डाइनिंग बना हुआ है, अब चलते हैं दूसरे रूम में। बेटा मुझे भी पता, ऊपर भी है अभी। बेडरूम है बेटा, अपने कपड़े नीचे लेकर चलो। हाँ बहुत प्यारा, बहुत अच्छा ना, बड़ा अच्छा फर्नीचर है यहाँ पे। हाँ कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा। ये किचन है, ये स्टूल्स पड़े हुए ऊपर,
खाने का कर रहे हैं ना, क्या पका के लाए हो ना जी? पर आप लोग पका के लाए हो? हाँ, पूरी चिकन कोरमा में खोरी बनाया, जब पता चला कि सबका प्रोग्राम बन गया है। अच्छा, ने बिरयानी बनाई है, मैं घर में जो चिकन था उसे बना लिया। ठीक है, आप जा रहे हैं, आ जाओ भी, मैं भी जा रही हूँ, नीचे जा रहे हैं। चलो तुम आगे चल के लाइट्स वगैरह जलाओ। करो ऑन, ये है, ये भी ड्राइंग डाइनिंग है, डाइनिंग तो नहीं है बस ड्राइंग रूम बना हुआ, लेकिन बहुत प्यारा है और नीचे इतना प्यारा है। ये मुझे ये सोफे बहुत अच्छे लगे हैं, टेबल देखो कितनी अच्छी है ना, बहुत अच्छी जगह। अच्छा जी, ये ड्राइंग रूम है, ये कितनी प्यारी स्पेस है, एक बेडरूम ये है, ये आई थिंक किड्स बेडरूम है। हाँ, ये वॉशरूम है, वो मैं हूँ शीशे में, शीशे में मैं नजर आ रही हूँ और ये मेरे पीछे हुबा है। ये भी है? हाँ जी, ये भी है, लाइट ऑन कर। एक रूम ये है, ये वॉशरूम है, झूले में मैं अभी बैठ गई हूँ। ना सारे निकल गए हैं पूल में से, तो अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत व्यू है। अब इधर बैठ गए सारे खाना वगैरह खाने के लिए। ये मैं हूँ। अब खाना खाने के लिए बैठे लगे हैं, तो वहाँ पे फिर मिलेंगे सबके साथ। ठीक है, बुलावे तुझे यारे अच मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। इसी शायर का दिल बनके बरसती है बूंदे तुम पे, ना चैन से जीने दे ना चैन से मरने दे। नजरों से दूर कित चलिए तू, कित चलिए तू, कित चलिए तू, नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू दे। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। अच्छा जी, ऊपर छत पे आए हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ से इंडिया की लाइट्स नजर आती हैं, पता नहीं देखते हैं। हाँ जी, आ रही है कहीं पे नजर? यार दूध वाले आए, इंडिया की लाइट्स भी लाओ। इंडिया नजर आ रहा है, सलमान खान नजर आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, सिद्धू मूसे, शाहरुख खान मुझे आतिला रहा है, किन्नु आतिला रहे हैं, हुबा हुबा शाहरुख है, कोई नहीं नजर नजर आ रहा है, ये लगा रहे हैं अपनी तरफ से फिल्में चलाई जा रहे। हाँ जी, च
अच्छा वो कह रहे ऊपर ले पे जाओ अंकल, ऊपर वाले पे अब जाए जी। चलो जी अब ऊपर चलते हैं, ऊपर देख लेते हैं क्या होता है। ये अब ऊपर जा रही सारी पलटन यार, अपना आप संभाल के जोड़ा ना जिस हिसाब से तुम जा रही हो ऊपर। ये ऊपर जा रहे हैं ना, जाओ वापस चलो। ये तुम लोग गिरोगे ऊपर से। ओए ओए लिखा हुआ है इंडिया की लाइटें हैं। ये अब मैं ऊपर से व्यू ले रही हूँ सारा। बेटे नीचे उतरे ध्यान कर, इसे इधर कर। पहले होता जब मुंह से पूछा कभी आज भी नहीं पूछे। आ जा इधर आ जा, गिनना चला मैं लग रहा है ये दिखा अपना को रह गया रात नहीं है। अच्छा जी प्रोग्राम ये बना रहे हैं कि नाइट स्टे के लिए आएंगे यहाँ पर, रात रुकेंगे यहाँ पे, बारबेक्यू करेंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। 10 कनाल जगह ही है जहाँ पर हम आए हुए हैं और बहुत अच्छा फार्म हाउस है। और नूर की शादी की ढोलक भी बजाएंगे। माय नूर हुबा कह रही थी कि बता रहे पब्लिक मैसेज के यहाँ पर नूर की शादी की ढोलक भी बजानी है अगर हम आए यहाँ पर नाइट स्टे। रिश्तेदार कम है। नीचे जा रहे हैं ऊपर से हुए हैं, कोई इंडिया शिंडिया में नजर नहीं आया। अब हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे रह गया। हाँ थोड़ा सा ही आगे रह गया था, आगे जाते गोलियां पड़नी थी। सारे यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठने लगे हैं और सब लोग बाय बाय। अच्छा जी निकल रहे हैं अब वापसी। रास्ता भी काफी सुनसान है अब। आगे काशिफ की गाड़ी है ना। इतना अंधेरा है यहाँ पे गाड़ी में, ये देखा पीछे दूसरी गाड़ी आ रही है। अभी नजर आएगी शायद, ये पीछे आ रही है गाड़ी, आगे भी जा रही है, आगे काशिफ की जा रही है। और बड़ा अंधेरा है इर्द गिर्द। और अब हम लोग घर जा रहे हैं। यही फैसला किया कि सब इकट्ठे निकलेंगे क्योंकि काफ़ी सुनसान है ये रास्ता, आबादी आने तक इकट्ठे चलेंगे।